मेरे को पर्दे के पीछे ऐसे डर लग रही है, मैं चोरी करने जा रही हूँ। यार देखो गुब्बारा फट गया तो क्या होगा, बहुत तो डर जाएगी। क्या हो गया है रात को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही होगी क्योंकि मैं धीरे बोल रही हूँ। आज का ब्लॉग मैं रात से शुरू कर रही हूँ। 10 बजने वाले हैं और कल है माँ का बर्थडे, तो हम सोच रहे हैं कि आज रात को 12 बजे माँ को सरप्राइज़ देते हैं। मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, मतलब मैं नहीं, हम दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। सोचा तो बहुत कुछ है पर बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही होता है। देखते हैं फिर भी कितना होता है। हम अपना पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। कि यहाँ पे लेटे पड़े हैं और मैंने ये किया है। अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा रुको, थोड़ी देर बाद अच्छा दिखने लग जाएगा। लो पकड़ो, चलो बंद करो। फिर मैं एक झलक अभी दिखाती हूँ अभी कैसा लग रहा है, फिर पूरा मैं देखते रहोगे अब क्या क्या बन रहा है। ये ऐसा दिख रहा है। मैं आपको 15 मिनट बाद दिखाऊंगी ये कैसा दिखता है। मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बगल में माँ का रूम है ना, माँ को आवाज है। धीरे बोल रही हूँ। फट गया तो क्या होगा, माँ तो डर जाएगी। क्या हो गया है रात को। इनको गुब्बारा बांधना नहीं आता है। जिसको नहीं आता है ना वो ऐसे बोलते हैं। इसको ऐसे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। यहाँ का तो हो गया, मतलब ऊपर का हो गया। अब नीचे पूरे बेड में गुब्बारे फैलाने। देखती हूँ कहाँ तक कामयाब होती हूँ। अगर नहीं फूटते हैं तो सब सेट हो गया है। जैसा तैसा जैसा भी हुआ है ठीक है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है मुझे। और इतना टाइम बचा है, 5 या 6 मिनट बचे हैं। हमने प्लान ये किया है कि मैं चुपचाप माँ के कमरे में छुपूंगी, फिर हम उनको सरप्राइज़ देंगे। कुछ कुछ बोल के, कुछ भी बोल देंगे। देखते हैं हमारा ये प्लान काम करता है या नहीं करता है। करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो फिर सड़ा हुआ मुँह लेके कोई बात नहीं। केक तो काटना ही है ना, माँ का बर्थडे तो है ही। फिर थोड़ा फोटो वोटो खिंचाएंगे, थोड़ा लिपा पोती कर लेती हूँ। एक कैमरा मेरे पास रहेगा और एक कैमरा यहाँ पे लगा है ताकि माँ के रिएक्शन सब हम कवर कर सकें। और ये रहा हमारा केक। हो गया हमारा केक तैयार। डन डना डन डन। मैं देखती हूँ कितना टाइम बचा है। 5 मिनट बचे हैं, ठीक 55 हो रहे हैं। क्यों जला रहा है? चांद को जैसे भड़क नहीं होता है वैसे को नहीं क्या कर रहा है। Happy birthday! Happy birthday to you! मेरे को पर्दे के पीछे ऐसे डर लग रही है मैं चोरी करने जा रही हूँ। तू तेरा आया नहीं तो पता नहीं कहाँ टेढ़ा टेढ़ा कर रही थी। चुप रहो, मैं कितनी डर लग रही थी मुझे। Yes, मेरे तो अभी भी हाथ कांप रहे हैं। चलो फिर आप लोग केक काटते हैं। मानेगा ये चांदनी है। पाया मैंने आंख ढूंढने थी। मेरा उठा था ना ऐसा ऐसे देख रहे जाओ ये सामने नहीं देखा। माने तेरे नींद में ये मुझे समझ लिया। बताओ कहाँ मैं कहाँ बेचारा ये इतनी अच्छी नींद आई। चलो मुँह धो के लाओ। क्या लगाया आपने मुँह में? माँ भी मुँह धोने गई है। माँ ने फेस पैक लगाया था मुँह में। फोटो तो अच्छी आनी चाहिए ना। माँ लिपाई माँ पे छोटा सा प्रैंक हुआ बस। ये देखो आ गई माँ आगे। नींद के झोंके में चलो काटो करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये पड़ा है किसका हो गया पोपट? कुछ नहीं होता अब इसका रहन दो। लाओ अब इसको ऐसे करो। लाओ मेरा ब्लॉग बनाओ मैं करती हूँ। उधर जाओ। जब कुछ नहीं होता है ना तब ऐसा होता है। अरे क्यों उसको? हाँ ये फटके भी तो ऐसे ही होता है। ये तो आप काटो और खिलाओ भाई। कोई बात नहीं तब चलता है खा लेंगे। फोटो भी खींचो ना साथ में। कल सुबह तीनों लोग झाड़ू लगाएंगे। ये बियर की जैसी बदबू क्यों आ रही है? ये वो नहीं फूटा था ये खट्टा हो रहा है। कल वापस करके आना उसको। हमारा केक पता नहीं कब का दिया उसने पर कल हम उससे दूसरा केक मांग के लाएंगे। ये है केक। केक की जगह अच्छा हुआ बैकअप में आइसक्रीम भी आई थी है ना। केक के साथ खाने के लिए हम वैसे आइसक्रीम लेके आए थे पर केक तो खाने घाट का नहीं रहा। अब हम सिर्फ आइसक्रीम से मजे ले रहे हैं। हमने फोटो वोटो खिंचा ली केक के साथ, बहुत हो गया। कल हम उससे दोबारा ताजा वाला केक मांगेंगे फिर अब रात को काटेंगे। देखो गाँव में जब जागरण होता था घनाली लगती तब जगह रहती थी बार बार एक एक बेदब। अब बर्थडे केक का आज आप कितने साल के हो गए? 8 साल। माँ उम्र नहीं बता रही है बताओ। मेरे को खास होंगे यार। जो माँ को बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं ना मुझसे एड्रेस मांग लेना। सलमान अहमद ऊपर से जो एड्रेस मतलब नहीं दे पाएगा जिसको एड्रेस भी नहीं लेना है वो एज अ गिफ्ट सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और कमेंट्स आप करोगे ही आशा है मुझे, नहीं भी करोगे तो दुआ मांग देना माँ के लिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी 53 साल के जन्मदिन के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप रात का ब्लॉग एंड करते हैं। होप कि आप माँ को बहुत सारी बधाइयाँ दोगे। हम अभी माँ का 53वां बर्थडे मना रहे हैं, 153वां भी मनाए हम। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी ही अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।